ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म कर लेंगे, ठीक है। आज का सबसे पहला टॉपिक होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बताइए ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके सो आज का सबसे पहला टॉपिक होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे सर, ये बता दीजिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है जो कि है पार्ट फोर, उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को, अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट है, वो लोग फ्यूचर में इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करें। समझ में आ रहा है, इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें एंड इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करें ही, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स जो है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो फ्यूचर गवर्नमेंट, जितनी बार गवर्नमेंट चेंज होंगे, इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए काम करें। समझ में आ रहा है, मतलब ये एक सजेशंस है, ठीक है, कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किसको सजेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को, कि भैया मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इस प्रकार से काम कीजिएगा, ठीक है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या लिखा है यहां पे, बोले पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 कंटेन्स सर्टेन डायरेक्टिव्स विच आर द गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री, ठीक है, समझ में आ चुका है। अब बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है, तो वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है, टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सिंपल बात, ठीक है। मैन, सेकेंड वाला बोले, मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ, ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अच्छा, इक्वल पे देंगे, क्या करेंगे, इक्वल पे देंगे फॉर कौन, इक्वल पे करेंगे किसको, फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। तो इक्वल पे करेंगे, इक्वल पे किसको करेंगे, मैन एंड वीमेन बोथ को, ठीक है। चौथा, ये वन हो चुका है, टू हो चुका है, थ्री हो चुका है। फोर्थ, स्टेट मस्ट टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, ठीक है, एंड उनको अनेबल कर देंगे फंक्शन करने के लिए एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उनको ऐसा पावर दे देंगे कि भैया आप फंक्शन करो एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब आप ही उसको जो है, जैसे गवर्नमेंट वर्क करता है उस प्रकार से आप काम करो विलेज के हित के लिए। समझ में आ रहा है। नंबर फाइव, प्रोविजंस फॉर मटर्निटी रिलीफ। इसका प्रोविजंस जो है, आप लोग फ्यूचर में भी ध्यान रखें, मटर्निटी रिलीफ के लिए जो है अलग अलग प्रोविजंस डाले कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। फिर देखो, प्रोमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, उनके इंटरेस्ट हित के लिए काम करे, ठीक है। कौन, द फ्यूचर गवर्नमेंट, द अपकमिंग गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। चलो, उसके बाद बताए, स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आठवां पॉइंट बताए, इंप्रूव करना, इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। समझ में आ रहा है, सेव द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद नंबर नाइन बताए, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अपना जो इंडिया का क्या है, बताइए ना, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, एंशियंट प्लेसेस है, जो कि भैया इंडिया को सिग्निफाई करता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, लाल किला, ठीक है, एंड अदर रिलीजियस ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना, रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, जैसे सन टेम्पल कह लो, ठीक है। तो उन सारे जगहों को आपको सही से रखना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंस है उनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये बोल दिया आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ये तो कुछ चंद गिने चुने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंने आप लोग को बता दिया है, फ्यूचर में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोग देखने वाले हैं,
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बचपन से आप पढ़ के आ रहे हो तो ये मैं रीड नहीं कर, ये मैं पढ़वाऊंगा नहीं, ये मैं आपको बोलूंगा रीड कीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज, यू हैव टू रीड दिस पोर्शन। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बताए आर्टिकल 5, फिर बोले आर्टिकल 5 में एक बहुत मस्त चीज बोल दी है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये सिटीजनशिप जो है वो कैसे मिलने वाला है, ठीक है, कौन है सिटीजन इस कंट्री का ये बता दीजिए, कौन है कैसे पता करेंगे। आर्टिकल 5 कहता है दैट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज इज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 5 प्रोवाइड्स दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लास्ट लाइन पढ़ो फिर समझ में आ जाएगा, शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज है, सबसे पहले देखेंगे हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपने बॉर्न हुए हो आप इंडिया के टेरिटरी में, देन यू आर अ सिटीजन। ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके माता पिता अगर बॉर्न हुए हो इंडिया के टेरिटरी के अंदर। उसके बाद हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप 5 साल तक इंडिया में रह चुके हो, ठीक है, कब से कॉन्स्टिट्यूशन, सुनो कॉन्स्टिट्यूशन के, देखो हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। समझो, देखो अगर आप सोच रहे हो कि भैया सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे बनेंगे, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ तब हम लोग सोच रहे हैं भैया सिटीजन कौन बनेगा, सिटीजन है कौन, तो तब यहाँ पर बोल दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ उससे इमीडिएटली, उससे 5 साल पहले अगर आप रह चुके हो, इमीडिएटली 5 years, ठीक है ना, तो तब आपको सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, देखो हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली, इस बात के ऊपर ध्यान दो, देखो इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट, कौन सा कमेंसमेंट हुआ था, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ एट दैट मोमेंट। ठीक है, कमेंसमेंट मतलब आया ये कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आया। चलो प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब, इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे। देखो किसके बारे में जानेंगे बताइए ना, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जान लेंगे अभी थोड़ा, चलो ओके। प्रेसिडेंट क्या बताइए, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन, अगर प्रेसिडेंट अगर दिमाग में आ जाए तो अपने को यार ये क्वेश्चन जरूर आएगा दिमाग में कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है। तो देखो अच्छे से, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब वो कौन है, वो है द इलेक्टेड मेंबर्स, ये कौन है, ये है ये द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, दोनों पार्टी मिलके वोट करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से बता दूं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस मतलब राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है वो, समझ में आ रहा है। अब उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले, पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लो, वो मैं समझा दूंगा। सबसे पहले ये समझो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट ये लोग करते हैं वोटिंग करके, ठीक है। पावर क्या है प्रेसिडेंट का, भैया प्रेसिडेंट का बवाल वाला पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहता है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहता है, मिलिट्री पावर रहता है, लेजिस्लेटिव पावर रहता है, एंड जुडिशियल पावर रहता है, ठीक है। ये सारे पावर जो है ये किसको किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ और बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए ये चीज, पावर टू प्रोम्यूलिगेट ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस। अगर आप याद करो ये ऑर्डिनेंस क्या है, कभी कभार आप लोग सुने होंगे ना कि ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ऑर्डिनेंस पास हुआ है, हाँ जी
ये तो सुनते हैं हम लोग कि बिल पास हुआ है, बिल पास हुआ है, लेकिन ये कभी सुना है आपने ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ऑर्डिनेंस पास हुआ है? हाँ जी होता है, सुनते हैं हम लोग। देखो होता क्या है, कभी कभार क्या हो जाता है, बोथ दी हाउसेस मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, बिल कैसे पास होता है, बिल पास होता है उसके बाद जाके ना वो एक्ट होता है, ठीक है। एक बिल जो है वो पास होता है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पास होता है बिल। अगर वो पास हो गया, उस पर वोटिंग होता है, उसके हिसाब से वो बन जाता है एक्ट। बिल अगर पास हो गया तो बन जाता है एक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन पास करता है, लोकसभा राज्यसभा, समझ में आ रहा है? बोथ दी हाउसेज ऑफ दी पार्लियामेंट, वोटिंग सिस्टम होता है उस प्रकार से। अब सुनो एक मजेदार बात, कभी कभार सुने हो कि नहीं, ये लोकसभा एंड राज्यसभा ये बंद है, पार्लियामेंट बंद है अभी, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा केस हो जाए कि ये पार्लियामेंट जो है ये बंद हो, तब कोई इम्पॉर्टेंस आ जाए, इम्पॉर्टेंट सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कोई लॉ जो है इमीडिएटली पास करना हो, आपको पता है भैया लॉ अगर पास करना है जो कि लिखा होता है बिल में, ठीक है ना, वो भैया लोकसभा एंड राज्यसभा पार्लियामेंट होकर ही ये पास हो सकता है, पार्लियामेंट होकर के ही ये एक्ट जो है वो बनता है कि नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब ये लोकसभा राज्यसभा ये फिलहाल जो है वो लोग एक्ट नहीं कर रहे हैं, फिलहाल वो लोग बंद है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर बंद रहे तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट साहब आते हैं और इमीडिएटली, और कब ये होता है कि सुनो, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ये लॉ बिल को पास करना है इमीडिएटली एंड लोकसभा राज्यसभा भी बंद है, ठीक है, तो हम क्या करें, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है कि वो ये लॉ को टेम्पररी टाइम के लिए, समय के लिए पास करवा दे। अब ये लॉ जब पास होता है इसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस, क्या बताइए ना, ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो पावर टू प्रोमिलिकेट ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, बिल पास करता है कौन बताइए, हाँ जी द पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट साहब ने पास करवा दिया, ठीक है, अब पकड़ लो एक दो महीने के लिए जो है यही लॉ चलने वाला, जो भी प्रेसिडेंट साहब को सही लगे वही लॉ चलने वाला, मैं फिर से बता दूँ, ठीक है। इसके बाद जब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों एक्ट करने लग जाए, मतलब दोनों कमेंस कर ले, ठीक है, दोनों स्टार्ट हो जाए, दोनों फिर से चालू हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है इसको हम लोग लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने रखेंगे, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब जब ये ऑर्डिनेंस हम लोग, ये ऑर्डिनेंस है, ये किसने पास किया है, प्रेसिडेंट ने पास किया है, ठीक है, कब पास किया है, जब सेशन में नहीं है राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, वो सेशन में नहीं है अभी। अब जिस दिन वो सेशन में आ जाए, लोकसभा राज्यसभा जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है, जिस दिन पार्लियामेंट बैठ जाए उसी दिन से लेकर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जनवरी में शुरू हो गया आपका, मतलब इन सेशन हो गया लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो इन सेशन आ चुका है, मतलब बैठ चुका है, अब सब कुछ काम होगा, तो इससे जनवरी 1 तारीख में बैठा है तो इनसे हम लोग 6 वीक काउंट करेंगे, 6 वीक हम लोग काउंट करेंगे, 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये पार्लियामेंट का काम रहेगा, फिर से सुनो अच्छे से, 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये पार्लियामेंट का काम रहेगा कि ये पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस को पास करवा दे, ठीक है, पास करवा दे। अगर ये पास करवा रहा है तब सही, लेकिन अगर ये पास नहीं किया गया है विद इन 6 वीक, तो ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था इसको हम लोग सीज कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे बताइए ना, इसको हम लोग सीज कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो सिंपल बात यह है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसका, प्रेसिडेंट का, मतलब ये होता है जब पार्लियामेंट इन सेशन ना रहे और तब कोई इमरजेंसी आ जाए एंड कोई लॉ पास करना है, तो कंट्री में लॉ पास कैसे होगा, कंट्री में लॉ पास कर देगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो लॉ पास करता है उसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। और एक चीज याद रखना, ये प्रेसिडेंट का मर्जी होगा, प्रेसिडेंट को लगना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है तब जाके ये पास होगा,
प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है नहीं ये पास नहीं करेंगे तो ये नहीं करेगा ऑर्डिनेंस पास, सिंपल बात, ऑर्डिनेंस पास कर देगा प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट का परमिशन, बिना ही परमिशन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो पास कर देगा। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट सेशन में आ चुका है उसके उस दिन से 6 वीक जो है हम लोग काउंट करेंगे, उसके अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा थ्रू दी पार्लियामेंट। ठीक है, अगर पास नहीं हुआ 6 हफ्तों के अंदर अंदर तो इसी ऑर्डिनेंस को हम लोग डिसकॉन्टिन्यू कर देंगे, मतलब जो लॉ प्रेसिडेंट लाया उसको हम लोग डिसकॉन्टिन्यू कर देंगे। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा सिंपल भैया गणेश जी भी आपको समझा नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ चुके हम लोग, ठीक है, क्या समझे, पावर टू प्रोमेगेट ऑर्डिनेंस, एक बार हम लोग मार्क करवा लेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट इज टू प्रोमेगेट ऑर्डिनेंसेस। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, फिर से सुनो अच्छे से, एट एनी टाइम व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, इमीडिएटली, दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट नहीं हो सकता क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है, आउट ऑफ सेशन है पार्लियामेंट। द एम्बिट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज टू से इट मे रिलेट टू एनी सब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्लियामेंट हैज द राइट टू लेजिस्लेट एंड इज सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज द लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, पावर टू प्रोमेगेट, अगर आप CSET के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ जी प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रोमेगेट कर सकता है वो, और कितने दिन के अंदर अंदर उसको इनैक्ट करना पड़ेगा बाय द पार्लियामेंट, हाँ जी 6 हफ्तों के अंदर अंदर जिस दिन पार्लियामेंट सेशन में आ जाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है CSET वाले स्टूडेंट, एंड CS एग्जीक्यूटिव अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आपको पूरा याद रखना है, मतलब लिखना तो है आपको, तो आप क्या कैसे लिखोगे, तो यही लिखोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट इज टू प्रोमेगेट ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल कौन सा 123, ये आपको CSET वाले भी याद रखेंगे भैया, आर्टिकल कौन सा 123, समझ में आ रहा है 123। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा एंड लोकसभा, ये क्या है, राज्यसभा एंड लोकसभा, टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, अब ये आ सकता है कहाँ पे, CSET में पूछा जा सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है, अब बोल दो कि राज्यसभा को, एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, देखो क्या पता है, द काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ 12 members, कितना मेंबर्स, 12 members टू बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब 12 members को नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा में बैठने के लिए, एंड जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे ज़्यादा रिप्रेजेंट, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने जन आ सकते हैं राज्यसभा में, 238 रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला के। समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है। फिर देखो, द एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाई द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस दैट बिहाफ कंटेन्ड इन द 4th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4th schedule ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किस प्रकार से वो लोग जो है स्टेट्स भेजेंगे अपने मिनिस्टर्स को। फिर the member to be nominated by the president shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of the literature, science, arts and social service. The representative of each state in the council of state shall be elected by the elected members of the legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. तो कौन कौन बैठेगा, कौन, सुनो अच्छे से सुनो, ये जो मिनिस्टर लोग बैठेंगे कहाँ पे बैठेंगे बताइए, राज्यसभा में, ये स्टेट भेजेगा। अब स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है, स्टेट का क्या रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें वोटिंग होगा कि किस बंदे को हम लोग भेजें, और जिस बंदे को हम लोग भेज रहे हैं याद रखना उसको नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना होगा, लिटरेचर उसको आना चाहिए, साइंस या आर्ट्स एंड सोशल सर्विस में उसको रहना पड़ेगा, है कि नहीं।
तो इस चीज का बहुत ध्यान में रखना होगा राज्यसभा में जो MPs बैठते हैं वो। अब बहुत सारे बच्चे ये बताएंगे, सर क्या बात कर रहे हो सर, ये तो झूठ लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो पार्लियामेंट में देखते हैं दे आर नॉट मच इंटेलेक्चुअल पीपल। हाँ जी 1% हो सकता है नॉट इंटेलेक्चुअल, ठीक है, सिर्फ भाषण देने के लिए आते हैं, बट द रेस्ट आर डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल एंड दे मे कम इन टू द पार्लियामेंट बाय द वोट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो अच्छा एक चीज तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है राज्यसभा में, ये यहां से एक बार कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये राज्यसभा हो चुका है, हाँ जी राज्यसभा हो चुका है, लोकसभा अब हम लोग देखेंगे लोकसभा में क्या बताए, अच्छे से देखो लोकसभा में बताए, लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552, ठीक है, जन बैठते हैं, विच इज मेड अप बाय इलेक्शन ऑफ अप टू 530 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट, अप टू 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, समझ में आ रहा है, एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ द आल्गो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। तो क्या क्या हो, देखो इसका ब्रेकअप मैं दे देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, कितना जन बैठेंगे 552, कहाँ पे, लोकसभा में बैठेंगे सर, तो इसमें से 530 जो है वो स्टेट से होगा, ठीक है, वो स्टेट से होगा, उसके बाद 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से होगा, एंड उसके अलावा 2 जो है वो रहेगा एल्गो इंडियन कम्युनिटी से, एल्गो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है, समझ में आ चुका है। अच्छा ये जो एल्गो इंडियन कम्युनिटी है ये क्या रहता है, ये इंडियन प्लस ब्रिटिश मिक्स रहता है, समझ में आ रहा है, तो वो कम्युनिटी, चलो उसके आगे बढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्या है बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब देखो देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइसेस। एक चीज याद रखना, क्या प्रेसिडेंट अपना मन मर्जी कर सकता है, नहीं, उसको एडवाइस मिलता है किससे, किससे एडवाइस मिलता है सर, प्राइम मिनिस्टर एंड उसके टीम से, प्राइम मिनिस्टर एंड उसके टीम से एडवाइस मिलता है प्रेसिडेंट को, उसके बाद प्रेसिडेंट उस प्रकार से काम करता है, समझ में आ रहा है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसमें से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे कौन, भैया अपना प्रेसिडेंट, ठीक है, और बाकी जो काउंसिल, बाकी जो मिनिस्टर्स रहेंगे उसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर, उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन कौन कौन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है उसका लिस्ट दिया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा ये लिस्ट है इनको अपॉइंट कीजिए, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे, समझ में आ रहा है। President and the others minister shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. ठीक है? The total number of ministers including the Prime Minister and the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People. 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए Council of Ministers में. ठीक है? ठीक है? किसका 15%? Members of the House of the People. ठीक है? The minister shall continue office at the pleasure of the President. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. Before a minister enters upon his office, the President shall administer to him the oath of office and secrecy. ये तो normal चीज़ है, ये normally ये नहीं पढ़ने से भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे, the total number of ministers including Prime Minister and the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of House of the People. ठीक है? समझ में आ रहा है? House of the People कौन है भाई मेरे? लोकसभा। लोकसभा के 15% मेंबर्स ही बन सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जा सकता है इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, समझ में आ चुका है हाउस ऑफ द पीपल। तो ये इंटरलिंक्ड है, इसको ना लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो, स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बहुत बढ़िया है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहता है, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहता है।
For every state there shall be a legislature which shall consist of the governor. Governor तो बैठेगा ये आपको पता है. And in the states of कौन सा state sir? ये सारा state. आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इनमें काउंसिल भी रहेगा. ठीक है, दो हाउसेस बैठेंगे यहाँ पे. उनके लेजिस्लेचर में दो हाउसेस बैठने वाले हैं इन सारे स्टेट्स में. ठीक है, एंड बाकी जो स्टेट्स हैं इनके अलावा वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट बैठेगा, उसको कहते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, एंड यहाँ पे जो दो बैठेंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल. Where there are two houses of the legislature of the state, one shall known as the legislative council and the other shall be known as the legislative assembly. And where there is only one house, it shall be known as legislative assembly. Simple cheez, ठीक है? फिर बोले, the legislative assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. ठीक है, जैसे स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी रहता है, वहाँ पे इलेक्शन लड़े जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे ऐसे मिनिस्टर्स जीतते हैं तो वो लोग बैठेंगे, है कि नहीं? 60 से कम नहीं होना चाहिए एंड किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड 60 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, नॉट लेस देन 60 नॉट मोर देन 500 ये लिख लो. The total number of members in the legislative council of a state having such a council shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly. तो council में जितने कितने members बैठेंगे and assembly में कितने members बैठेंगे. Assembly में maximum बैठ पाएंगे 500 and minimum 60. ठीक है, 60 तो बिठाना ही होगा. ठीक है, और यहाँ पे जो assembly में जितना बैठा है इनका total करवा के ये जो काउंसिल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें 1/3 ही बैठ पाएगा. इससे 1/3 किसका, ये इसका, समझ में आ रहा है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के, असेंबली में जितना भी बैठे हैं उसका 1/3 बैठेगा काउंसिल में. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएगा. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल इन नो केस बी लेस देन 40. लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिजॉल्व्ड, जब तक कि ना वो डिजॉल्व हो जाए, शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फॉर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नॉट लॉन्गर द लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 years शैल ऑपरेट एज रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली. इतना सिर्फ याद मत करो, सिंपल बात है भैया. 5 साल के लिए आता है कोई भी गवर्नमेंट, तो यही बात यहाँ पे बता के रख दिए है. अच्छा, गवर्नर के बारे में बताए, क्या बताइए ना, गवर्नर के बारे में बताइए. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बताया मैं आपको, बताता हूँ, सुनो. कभी कभार क्या होता है ना, गवर्नर तो ऑर्डिनेंस पास कर देगा, ऑर्डिनेंस जो है वो पास करे, कौन? गवर्नर. ठीक है, क्या गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? हाँ जी, गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है. प्रेसिडेंट बिठाता है गवर्नर को स्टेट में. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल करता है पूरा कंट्री में एंड गवर्नर रूल करता है स्टेट में. प्रेसिडेंट का जितना भी पावर है वो सेम टू सेम पावर अपने गवर्नर का भी है, लेकिन कुछ पावर को छोड़ करके, जैसे कि मिलिट्री पावर, वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही रह पाएगा. प्रेसिडेंट बोल पाएगा चाइना पे अटैक कर दो तो कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वेट नहीं करेंगे. ठीक है, प्रेसिडेंट अगर बोला अटैक कर दो तो कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वेट नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है, गवर्नर क्या बोल सकता है? नहीं, गवर्नर नहीं बोल सकता ये सारा चीज़. तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर. ठीक, फिर देखो. अच्छा, एक गवर्नर दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एवरी स्टेट है वन गवर्नर. ठीक है, अच्छा, कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, इतना याद रखो. उसके बाद मैं आपको चीज़ समझाता हूँ. देखो, जैसे प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है ना, तो गवर्नर का भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहता है. पकड़ ले, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में ना रहा तो लॉ पास करना है भैया, कौन पास करेगा? गवर्नर पास करेगा लॉ. ठीक है, ठीक है, सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ एकदम ऊपर जैसा एकदम सेम है. लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि कभी कभार गवर्नर जो है वो सीधा ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस प्रेसिडेंट जो है वो उससे परमिशन ले ले. तो देखो, ये लास्ट लाइन देखो, ये इंपॉर्टेंट है. गवर्नर कैनॉट प्रोमिलिकेट एनी ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट. कौन से केसेस में? ये तीन केसेस में. तीन केस क्या क्या है? पहला केस तो ये है, ठीक है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि ये सारे मामले में आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा. तो तब, ठीक है, तब, ठीक है. उसके बाद
उसके बाद उसी को लग रहा है ऐसा, ठीक है, ही वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल, मतलब गवर्नर को लग रहा है कि मैं रिजर्व करके रख दूँ, ठीक है, ये बिल, ठीक है, कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब ये डीम है, डीम्ड मतलब कि गवर्नर डीम्ड है कि ये जो बिल जो है ये मैं पास नहीं कर सकता, ये मेरे को पास करवाना है प्रेसिडेंट से ही, तब जाके, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब अलाउ करेगा तब जाके पास करेंगे तब, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस हो जो गवर्नर पास करने के बाद ये इनवैलिड हो जाए क्योंकि प्रेसिडेंट ने पास नहीं करवाया, प्रेसिडेंट ने अलाउ नहीं किया, उन सारे ऑर्डिनेंस को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तीसरा पॉइंट ये है कि इनवैलिड हो जाए, मतलब अगर गवर्नर ये ऑर्डिनेंस पास किया तो ये इनवैलिड हो जाएगा अगर ये प्रेसिडेंट से अप्रूवल ना ले तो उन सारे ऑर्डिनेंसेस को पहले अप्रूवल लेना होगा प्रेसिडेंट से, उसके बाद जाके पास करवाना होगा। समझ में आ रहा है, ये तीन होगा, ये याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट भैया जुडिशरी का कुछ है नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप में बैठता है, उसके बाद बैठता है हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बैठता है, उसके अंदर में आता है सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, इतना तो पता ही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे कुछ बता दी, ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको निवेदन करूँगा कि आप लोग ये घर में थोड़ा पढ़िए तो आपका हिस्ट्री का नॉलेज थोड़ा आएगा। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ CSET के स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे याद रखने लायक कुछ है नहीं, आपको रीड करना होगा ये हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सा होता है, सिविल कोर्ट कौन सा होता है, क्रिमिनल कोर्ट कौन सा होता है, क्योंकि दो दो लाइन का दिया हुआ है, ठीक है, दो दो लाइन का दिया हुआ है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा आपको पढ़ाई करना होगा। अगर मैं सब कुछ करवा दूं तो आपको नॉलेज का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन का जो ज्ञान है वो कैसे आने वाला है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, उसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके बाद आता है क्या बताइए, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स। क्या मैं एक बार बता दूं सब कुछ, ठीक है, सीधा सीधा बात, नो बकवास करता हूं मैं। देखो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहता है, किसके नीचे रहता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे। कोई भी डिसीजन लिया गया हो हाई कोर्ट में वो आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, इतना याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आता है सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, अच्छा ये तो मैजिस्ट्रेट पे चला गया, चलो सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट मतलब जहाँ पे सिविल मैटर्स देखा जाता है, समझ में आ रहा है, सिविल मैटर्स देखे जाते हैं वो है सिविल कोर्ट, और जो जहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स देखे जाते हैं उसको कहा जाता है क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, ओके। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में बताएं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बताएं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डू नॉट ट्राई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ट्राई नहीं करता, ठीक है, एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन इज कन्फाइंड टू सर्टन मिसलेनियस केसेस विच आर ऑफ इम्पॉर्टेंस फॉर पब्लिक एंड द लाइक देयर प्रोसीडिंग्स डू नॉट एंड इन कन्विक्शन और एक्विटल बट इन सर्टन ओवर टाइप्स ऑफ restrictive orders in other states by local amendments, executive magistrate have been vested with power to try certain offences. तो executive magistrate बहुत भारी भरकम cases नहीं लेते, जैसे criminal prosecutions नहीं करवाते, ठीक है, वो छोटे मोटे certain offences देखा जाता है। judicial magistrate है are of two classes, एक है second class, first class and judicial magistrate, ठीक है, second class and first class. judicial magistrates are subject to control of court of session which also In its refers a court or original jurisdiction, the power of magistrate of the two classes vary according to their grade. तो grade के हिसाब से power divided किया गया है. Special tribunals मैं इतना बता दूँ आपको. Tax देखो, direct tax, labour, custom, ठीक है, इन सब का copyright, ठीक है, motor vehicle act, तो इन सब देखो, environment, anti-competitive agreement, ये सारा धीरे धीरे आपको पता लगेगा, ये सारों के लिए इनके लिए special tribunals बनाया गया है, ये भी एक प्रकार का कोर्ट ही रहता है, ठीक है, special tribunals. अच्छा writ बता दूं मैं, writ, अब writ क्या होता है, देखो writ jurisdiction of high court and supreme court, writ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, देखो writ petition जो है ये होता है लगभग पांच प्रकार का, एक है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी, क्वो वारंटो, ठीक है, एक जो है फिल्म में निकला था हैबियस कॉर्पस के बारे में, ठीक है, रिट पिटीशन फाइल किया। अच्छा ये क्या है, रिट क्या है, रिट है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स,
ठीक है, नॉर्मली दिया जाता है बाय द कोर्ट। अब किस प्रकार के रिट्स होते हैं, ये हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, को वारंटो, इन प्रकार की, इन पांच प्रकार के रिट्स होते हैं। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मीनिंग सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ये मैं सीधा यहीं से बताऊंगा, बाकी आप मार्किंग करके पढ़ लेना, ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, यहीं पे मैं कुछ लिखवा दूंगा वो भी आपको लिख लेना है। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव दी बॉडी, मतलब समझो आपने हैबियस कॉर्पस वाला फिल्म देखा है कि नहीं, हाँ जी बताइए, साउथ इंडियन फिल्म था, अच्छा उसमें क्या बताया, अगर इस ये इंसान आपके कस्टडी में है, अगर ये इंसान आपके कस्टडी में है तो इस इंसान को किस लिए आपने अरेस्ट किया है वो प्रूफ कीजिए, ठीक है। अगर आप कोर्ट में ना बता पाए और अगर आप सक्षम नहीं हो पाए कोर्ट में बताने के लिए, देन यू हैव टू लेट देम गो फ्री, समझ में आ रहा है, वो है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। उसके बाद आता है मैंडमस, ठीक है, मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड, क्या बताइए, वीक कमांड, कोर्ट आपको कमांड करेगा कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रकार का कार्य करने के लिए। देखो, द रिट ऑफ मैंडमस इज ए कमांड इशूड टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट और गवर्नमेंट रिक्वायरिंग हिम इट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफाइड देयर इन विच पर्टेन्स टू हिज और इट्स ऑफिस एंड इज फर्दर इन द नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, ठीक है, उसी के काम उसी को लगवा देंगे हम, अगर आप कॉरपोरेशन हो, इन्फीरियर कोर्ट हो, ठीक है, या तो आप गवर्नमेंट ही हो, ठीक है, या आप कोई भी इंसान हो, नॉर्मल पब्लिक हो, तो आपको ऑर्डर दिया जा सकता है बाई रिट पिटिशन, समझ में आ रहा है, किस प्रकार का ऑर्डर, जो आप नॉर्मल कार्य करते हो उसी कार्य में कोई डायरेक्शन दिया जा सकता है बाय द कोर्ट, समझ में आ रहा है, हाँ जी, और आपको करना पड़ेगा वो मैंडमस। प्रोहिबिशन, देखो प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिशन, ये रिट पिटिशन, प्रोहिबिशन का जो पिटिशन है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अगर लोअर कोर्ट एक केस ले ले जो इसके पावर में है ही नहीं, पकड़ ले एक क्रिमिनल केस पकड़ लिया, कोई नॉर्मल सा कोर्ट जो है सिविल कोर्ट एक क्रिमिनल केस का जजमेंट दे रहा है, तो प्रोहिबिशन ऑर्डर लिया जाता है फ्रॉम हाई कोर्ट, ठीक है, प्रोहिबिशन रिट पिटिशन फाइल करके प्रोहिबिशन ऑर्डर लिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि हाई कोर्ट जो है या तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है उस लोअर कोर्ट को कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम मत करो ये चीज़, ठीक है, तुमको हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि इस केस को अभी के अभी जो है बंद करो, क्योंकि अपर कोर्ट जो है वो जजमेंट देगा, आपके कंट्रोल में नहीं है ये, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑर्डर। तो आप लिख सकते हो, साइड में लिख दो, इफ अ लोअर कोर्ट हैव एक्सेप्टेड अ केस बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन पास प्रोहिबिशन ऑर्डर एंड स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम पासिंग जजमेंट, ये प्रोहिबिशन में लिख दो, लिख दिया, अच्छा सर फिर सर्टियोरिटी ऑर्डर क्या है, सर्टियोरिटी ऑर्डर का मतलब होता है ये एक रिट होता है कि अगर पकड़ लो लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास ही कर दिया फिर क्या करें, फिर उस जजमेंट को स्क्वॉश कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए, उस जजमेंट को स्क्वॉश कर देंगे, ठीक है, स्क्वॉश कैसे करेंगे, हाँ जी, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा सर्टियोरिटी ऑर्डर, उससे वो जजमेंट स्क्वॉश हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा बताइए, जो जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब उसके पावर में है ही नहीं, तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है, उस जजमेंट को हम लोग कैंसिल करवा देंगे, ठीक है, सर्टियोरिटी। अब क्वो वारंटो लास्ट है, क्या बताइए, क्वो वारंटो, अच्छा सर्टियोरिटी का लिख लो साइड में फटाफट लिखो, इफ लोअर कोर्ट हैज ऑलरेडी पास्ड अ जजमेंट देन दे कैन पास सर्टियोरिटी ऑर्डर बाय विच स्क्वॉश और कैंसिल सच जजमेंट, ठीक है, लास्ट है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब ये होता है, क्वो वारंटो सिंपल वर्ड में बताए तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैनॉट मिसयूज देयर पोजीशंस। कभी कभार हम लोग देखो, यहाँ पर एक बार पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से क्वो वारंटो, द रिट ऑफ क्वो वारंटो इनेबल्स इंक्वायरी। क्वो वारंटो एक्चुअली एक प्रकार का इंक्वायरी होता है जो आप कोर्ट के द्वारा करते हो, क्योंकि आप खुद जाके करोगे तो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देने जा रहे हो, वहाँ पर एक बंदा बैठा है, नाम है घनश्याम। अब वो जो बंदा बैठा है घनश्याम, वो घनश्याम नहीं है, घनश्याम ने किसी दूसरे बंदे को एम्प्लॉय कर रखा है, ठीक है, ऑथराइज करके रखा है कि भैया तू मेरे
पोजीशन में बैठ जा एंड तू काम कर, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया घनश्याम को, लेकिन घनश्याम नहीं बैठा, घनश्याम ने बिठा दिया श्यामलाल को, ठीक है। तो आपको डाउट है कि ये बंदा जो है, ये तो इसका पोजीशन है ही नहीं, ये जो यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, तो कैसे पता करे, कैसे पता करे, कैसे पता करे, कैसे पता करे? वो आप ऑफिस में जाके बोलोगे आप यहाँ पे काम कर तो आपका आईडी दिखाइए ज़रा, तो वो आपको आईडी दिखाएगा, चाटा मार देगा, निकाल, निकलो निकलो यहाँ से, इस प्रकार का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल तो पता ही है आपको कैसे रहते हैं। तो इसलिए कोर्ट से ऑर्डर लाना एक इंक्वायरी ऑर्डर होता है लीगैलिटी की, लीगली आप बैठ के काम कर रहे हो कि नहीं, विच ए पर्सन असर्ट्स टू एन ऑफिस और फ्रेंचाइज, मतलब जिस ऑफिस में आप बैठे हो क्या आप इस ऑफिस में लीगली बैठे हो कि नहीं, गवर्नमेंट ने सही में आपको अपॉइंट किया है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। द होल्डर ऑफ द ऑफिस हैज टू शो टू द कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स द ऑफिस, ठीक है। आप पता कर पाओगे वैसे, और अगर आप डायरेक्ट पूछने जाओ तो वो नहीं बताएगा। अच्छा, इट इज इशूड वेन द ऑफिस इज अ पब्लिक एंड ऑफ सब्सटेंटिव नेचर, अच्छा ये पब्लिक होना पड़ेगा ऑफिस को, ठीक है। क्रिएटेड बाई स्टैट्यूट और बाई द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, मतलब ये आप प्राइवेट एंटिटी में जाके ये सब नहीं कर सकते, ये आप गवर्नमेंट वाले जो चीज़ें हैं ना, जैसे स्टैट्यूट ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनेक्ट किया, ठीक है, उनमें ICSI पकड़ लो, ICAI पकड़ लो, ICSI का प्रेसिडेंट कौन है अगर आपको पता करना है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि जो ICSI का प्रेसिडेंट बैठा है वो सच्ची में ICSI का प्रेसिडेंट नहीं है, वो कोई दूसरा हमशक्ल बैठा है, वो पोजीशन इलीगली होल्ड कर रहा है, तो आप ऐसे को वारंट ऑर्डर पास कर सकते हो हाई कोर्ट से, ठीक है, और वो इंक्वायरी कर सकते हो आप, ठीक है। द रिस्पोंडेंट हैज़ असर्टेंट हिज क्लेम टू द ऑफिस, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट है वो बोल रहा है कि हाँ जी मैं यहीं पे बैठता हूँ, वो असर्टेन किया कि हाँ जी ये ऑफिस मेरा है। इट कैन बी इशूड इवन दो ही इज नॉट अज्यूम द चार्जेस ऑफ द ऑफिस, अच्छा यहीं से ख़त्म हो जाएगा। फिर है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा आप रीड कर लेना। एंड हाँ जी ये होमवर्क है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ऐसा मत बोलना कि सर ने नहीं करवाया, ये होमवर्क है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है। फिर से देखो, ये अमेंडमेंट आया था मेजर, द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज लोकसभा बाय प्रोवाइडिंग दैट वन मेंबर कुड रिप्रेजेंट इवन मोर देन 750,000 पर्सन, ठीक है। तो ये सारे जो है कुछ नंबर्स वगैरह, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया CSET बवाल। इसका MCQ मटेरियल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जाके अवेल कर सकते हो, जिससे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो पूरा पूरा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।